जयकारा शीतला मैया जी दा। जय हो माँ शीतला माता की। आज परिवार सहित चौदस के दिन हम माता रानी का दर्शन करने आए हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ बने रहिए और माता रानी का दर्शन कीजिए। माता रानी के दर्शन मात्र से सभी रोगों का नाश हो जाता है। माँ कुलदेवी शीतला माता बहुत ही दयालु हैं। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो जरूर से जरूर माता रानी का दर्शन कीजिए और सभी रोगों से निवारण पाइए। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो भी आप माता रानी का दर्शन कीजिए, भविष्य में भी आपको कोई रोग और बीमारी नहीं होगी। हमारी माँ गुड़गांव वाली शीतला माता के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मंदिर की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। आप पहले जयकारा शीतला मैया जी दा। तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। माँ शीतला माता बहुत ही दयालु है। हमने प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी ने हमारा प्रसाद माता रानी को चढ़ा दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करता हूँ जब माता रानी के दर्शन करता हूँ। गदगद हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों का भारी बोझ हल्का हो गया है। तो मंदिर में आप ज़रूर आइए, शीतला माता के दर्शन कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं जब भी बताता हूँ, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आप शीतला माता के मंदिर में आते हैं तो माता रानी के दर्शन के बाद वट वृक्ष पर नाल का झागा जरूर बांधिए। इससे आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अप्रिय घटना का मतलब है कि आपके जीवन काल में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ज़रूर आप वट वृक्ष पर जब भी आप शीतला माता के मंदिर में आएँ, जितनी बार भी आएँ, वट वृक्ष पर नाल का झागा जरूर बांधिए। और ये वीडियो सभी भक्त जनों को शेयर कीजिए ताकि माता रानी का दर्शन का लाभ ले सके, अपने सभी रोगों से छुटकारा पा सके। जय शीतला माता।